सियासत में संबंधों का सिलसिला जब समाप्त हो जाए तो सबसे पहले चरित्र पर ही सवाल उठते हैं। अब लालू यादव भी नीतीश कुमार के चरित्र पर सवाल कर रहे हैं। ते पलटी बाज पलटू राम नीतीश का जो राजनीतिक चरित्र रहा है ये जग जाहिर है, सबको पता है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सियासत और सत्ता एक समानांतर में 20 महीने तक चली, लेकिन प्यार और इकरार जब इनकार और तकरार में बदल जाए तो अपनी मोहब्बत ही कोरी झूठ लगने लगती है। लालू यादव जिस नीतीश कुमार को छोटे भाई बताते थे, आज उनकी हैसियत बताते नजर आए। अब सारे प्रदेश के बिहार के लोग हो, आप गवाह हो, और इसीलिए इनके वोट से लालू यादव को 80 सीट मिला। भूल जाते हो नीतीश कुमार, ये तुम्हारी हैसियत क्या थी? सरकार जब मजबूरी की खाट पर बैठ जाए तो जनता हिसाब मांगने लगती है। सामने सब कुछ बदलता हुआ देखकर नीतीश कुमार पलट गए, लालू यादव उनके ऊपर पलटवार करने आए, नीतीश कुमार को पलटू राम बताया। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है, इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। पॉलिटिक्स का पहला सिद्धांत है परिस्थिति में ढल जाना। शायद नीतीश ने खुद को ढाल लिया है, लालू यादव बच्चों के मोह में फंसे रह गए। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे, जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज ने देखा, इसकी सराहना होने लगी, इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे, कितने बड़े सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार। राजनीति में ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही छोटा। नीतीश कुमार ने सहूलियत को चुना है, लालू यादव के लिए अच्छा यही होगा, पलटवार की राजनीति को छोड़कर अपनी जमीन को मजबूत करें, वरना उनके पास कोई चारा बचा नहीं है।